हेलो माय स्टूडेंट्स, मैं सुनील सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डीसी अकेडमी। तो स्टूडेंट्स, आज की लेक्चर की शुरुआत करेंगे हम बोर्ड एग्ज़ाम के सेट 2014 की। और ये जो सेट 2014 है, इसके जितने भी क्वेश्चन हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हैं, ये आ सकते हैं। और इन सेंटेंस को अगर हम बनाते हैं तो कई रूल्स को जो है हमको सीखने का मौका मिलेगा। तो आइए स्टूडेंट्स, एक एक करके सभी सेंटेंस को समझते हैं। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या होगी तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के उसको कन्फर्म कर लीजिएगा और पूछ लीजिएगा। तो देखिए, लिखा है सेंटेंस नंबर वन, वाइज मैन डू नॉट क्वारल ओवर स्मॉल थिंग। देखिए, पहला ही सेंटेंस इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है, ये एक इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है और कह रहा है कि इसको कॉम्प्लेक्स बनाइए। तो लिखा है वाइज मैन, यानी कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, डू नॉट क्वारल, नहीं झगड़ते हैं छोटी छोटी चीज़ों पर, ओवर स्मॉल थिंग्स। क्या करें इसको बनाने के लिए? देखिए, हिंदी अर्थ निकालिए, वाइज मैन, जो व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं, वह व्यक्ति जो बुद्धिमान है, तो लिखेंगे द मैन, यानी वह व्यक्ति जो बुद्धिमान है, हु आर वाइज। तो देखिए, हमने क्या किया, द मैन हु आर वाइज, वह व्यक्ति जो बुद्धिमान है, वे व्यक्ति जो बुद्धिमान है, डू नॉट क्वारल ओवर स्मॉल थिंग्स। देखिए स्टूडेंट्स, आपका पहला सेंटेंस बन गया है और ये बनकर तैयार हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल में था, कॉम्प्लेक्स बना दिया। और इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए हमने यूज़ किया है हु का, और हु क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है, और कोई तरीका नहीं था इसको बनाने का कॉम्प्लेक्स। यही तरीका था, जो व्यक्ति, द मैन यानी वे व्यक्ति जो हु आर वाइज, जो बुद्धिमान है। तो पहला सेंटेंस आपका बहुत इंपॉर्टेंट था। दूसरे सेंटेंस की बात कर लें, लिखा है ही फिनिश्ड हिज वर्क एंड वेंट होम। ये देखिए कंपाउंड में है, सिंपल बनाना है, तो सिंपल बनाने के लिए क्या करेंगे, ही फिनिश्ड हिज वर्क, तो लिखेंगे हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क कॉमा ही वेंट होम। बना दिया इसको हैविंग से, यूज़ कर लिया है परफेक्ट पार्टिसिपल का, परफेक्ट पार्टिसिपल यानी पार्टिसिपल के यूज़ से हमने इसको बना दिया सिंपल सेंटेंस, Having finished his work, he went home. अगर इसको सेपरेट करें अलग अलग तो ये होगा ही फिनिश हिज वर्क फुल स्टॉप ही वेंट होम। तो यहाँ पर एंड्स जोड़ करके इन्होंने कंपाउंड में दे रखा था, कंपाउंड हमने बना दिया आपको सिंपल में। तो देखिए, सेंटेंस नंबर वन, सेंटेंस नंबर टू आपका क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे सेंटेंस नंबर थ्री की। तो सेंटेंस नंबर थ्री कह रहा है द थीफ सॉ द पुलिसमैन, चोर ने पुलिसमैन को देखा तो वह भाग गया, ही रन अवे। तो देखिए, पुलिसमैन को देख करके वो तुरंत भागेगा, तो इन दोनों कार्यों के बीच में समय का अभाव है, तो लिखेंगे सीइंग, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे, सीइंग द पुलिस मैन कमा द थीफ रैन अवे। बन गया है सेंटेंस, समझ में आया होगा आपको, सीइंग द पुलिस मैन से बना लिए। अब देखिए, फोर्थ सेंटेंस की बात करते हैं, स्पीक द ट्रूथ, स्पीक द ट्रूथ एंड यू नीड नॉट फियर। सच बोलिए, जो सच है वो बोलिए और आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, इन सेंटेंस को बनाने के लिए हम ऊपर लिखते हैं, इसको हटा दें, समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। देखिए, लिखा स्पीक द ट्रूथ एंड यू नीड नॉट फियर, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। तो देखिए, हम इसको लिखेंगे इफ़ यू स्पीक, अगर तुम सच बोलते हो तो भैया तुमको डरने की ज़रूरत नहीं है, यू नीड नॉट फियर। बस बन गया कॉम्प्लेक्स में, इफ से सेंटेंस जोड़ दिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बन गया और बीच में कॉमा लगा दिया, तो फोर्थ सेंटेंस भी हो गया। देखिए, बात करते हैं फिफ्थ की, जैक वेंट अप द हिल, जैक जो है हिल के ऊपर गया, ही सॉ ए पाइथन, उसने एक पाइथन देखा, सांप, पाइथन एक सांप होता है। तो देखिए, जैसे वह हिल पे पहुंचा होगा उसको तुरंत दिखाई दिया होगा, इसमें समय नहीं लगा होगा, जैसे हिल पे गया उसको दिख गया पाइथन। तो फिफ्थ नंबर को अगर यहाँ बनाएं, फोर्थ यहाँ बन गया है, फिफ्थ को बनाएं, तो लिखेंगे गोइंग से बना लेंगे, गोइंग अप द हिल कॉमा, अब यहाँ पर लिखेंगे जैक, ही को छोड़ करके जैक लिखेंगे, सॉ अ पाइथन। बन गया आपका किसमें, सिंपल सेंटेंस में। तो उम्मीद करता हूं आपको फोर्थ और फिफ्थ भी समझ में आ गया होगा। चलिए, इसको भी हटा देते हैं।
और बनाते हैं सेंटेंस नंबर सिक्स को। तो सिक्स को यहाँ बनाते हैं, लिखा है यू मस्ट स्टार्ट नाउ, तुम्हें जो है चल देना चाहिए, प्रारंभ कर देना चाहिए अब, यू विल बी लेट, आपको देर हो जाएगी। तो देखिए कंपाउंड रहना है, कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपको स्टार्ट कर देना चाहिए, प्रारंभ कर देना चाहिए, अन्यथा आपको लेट हो जाएगी। तो अन्यथा का सेंस आ रहा था अदरवाइज से जोड़ देंगे, तो लिखेंगे यू मस्ट स्टार्ट नाउ अदरवाइज यू विल बी लेट, बन गया सेंटेंस छः नंबर। अब बात करते हैं सेवन नंबर की, सी इज रिच, वह अमीर है, सी इज नॉट हैप्पी, वह खुश नहीं है, बनाना है कॉम्प्लेक्स। तो हम सेंटेंस बनाएंगे दाउ से या आल्दो से, आल्दो सी इज रिच, आल्दो सी इज रिच, यद्यपि वह अमीर है लेकिन खुश नहीं है, सी इज नॉट हैप्पी, बन गया ये हमारा सेंटेंस इस तरीके से, और ये बन गया है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो बनेगा आल्दो सी इज रिच, सी इज नॉट हैप्पी, आल्दो के साथ येट का भी प्रयोग करते हैं, आप चाहिए तो ना करिए, ऐसे भी सेंटेंस सही है। दाओ से भी बोलो बनाते हैं, दाओ से भी सेंटेंस सही हो जाएगा। फिर बात करते हैं एट नंबर की, ही इज वेरी फास्ट, ही कैन नॉट रन फास्ट, ही इज वेरी फैट, सॉरी वह बहुत मोटा है, ही कैन नॉट रन फास्ट, बनाना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो हम क्या लिखेंगे, ही इज सो फैट दैट ही कैन नॉट रन फास्ट। देखिए ये ट्रांसफॉर्मेशन का रूल यहाँ पर लग गया है, टी डबल टू घटा करके सो और टू इन्फिनिटी टू घटा कर दैट सब्जेक्ट कैन नॉट या कुड नॉट का यूज़ कर लेते हैं। बात करते हैं सेंटेंस नंबर नाइन की, तो सेंटेंस नंबर नाइन क्या है, अच्छा एक बात कर लेते हैं, अगर मान लीजिए इस सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स ना बना करके सिंपल बनाना होता है, सिंपल सेंटेंस, तो सिंपल सेंटेंस अगर बनाना होता तो क्या लिखते हैं, ही इज वेरी फैट, तो हम लिखते हैं क्या मालूम है, हम लोग लिखते हैं बीइंग वेरी फैट कमा ही कैन नॉट रन फास्ट। तो ये हम बनाते हैं बीइंग से अगर सिंपल बनाना होता। तो देख लेते हैं नाइन नंबर की, लिखा है तुलसीदास वॉज अ ग्रेट पोएट, तुलसीदास एक महान पोएट थे, ही रोड द रामचरितमानस, उन्होंने रामचरितमानस लिखी है, ही इज हॉली, इट इज द हॉली बुक ऑफ द हिंदू। अब देखिए इस सेंटेंस को सिंपल में ही बनाना होगा, हाँ सिंपल ही बनाना है। तो देखिए इसको बनाने का क्या तरीका है, देखिए इसमें हम यूज़ करते हैं फ्रेज इन अपोजिशन का। तो देखिए क्या है, तुलसीदास को ही क्या कहा गया है, एक ग्रेट पोएट, तो तुलसीदास को हम लिखेंगे ऐसे, तुलसीदास कामा अ ग्रेट पोएट, और फिर से इसको कामा में हम बंद कर देंगे, ठीक है, तुलसीदास कामा ए ग्रेट पोएट, और उसके बाद हम फिर कामा लगाएंगे, लिखेंगे रोट द राम चरितमानस, अब रामचरितमानस के लिए लिखा है द होली बुक ऑफ द हिंदू। अब देखिए इसमें क्या था, एक ग्रेट पोएट तुलसीदास को कहा गया था, और द होली बुक ऑफ हिंदू किसको कहा गया है, रामचरितमानस की। तो देखिए इसमें क्या होता है, जैसे कोहली ही हमारे कप्तान हैं, तो अवर कैप्टन विराट कोहली दोनों एक ही हैं, तो हम विराट कोहली को लिखेंगे फिर अवर कैप्टन बाद में लिखेंगे। तो ऐसे ही फ्रेज इन अपोजिशन का यूज़ किया जाता है, क्योंकि रामचरितमानस का फ्रेज क्या है, द होली बुक ऑफ द हिंदू। तो हम यहाँ पर लिखेंगे रोड द रामचरितमानस कामा, अब इसके लिए हम लिखेंगे द होली बुक ऑफ द हिंदू, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स बन गया, अब इसके पीछे कामा लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके बाद लगेगा हमारा फुल स्टॉप, और ये हमारा सेंटेंस बन गया है सिंपल में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको 6, 7, 8, 9 ये तीनों चारों सेंटेंस समझ में आए यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं लास्ट सेंटेंस की, तो लास्ट क्या कह रहा है, एवरीथिंग डिकेज, सब कुछ डिके हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, नष्ट हो जाते हैं, बुक सर्वाइव, सब तो बुक सर्वाइव करता है, लेकिन बुक जो होता है वो सर्वाइव करता है। तो इस सेंटेंस को हम जोड़ देंगे बट से, और हमारा सेंटेंस बन जाएगा कंपाउंड। तो एवरीथिंग डिके, सब कुछ तो बर्बाद करते हैं या असफल हो जाते हैं, लेकिन बुक सर्वाइव करता है हमेशा। तो एवरीथिंग डिकेज बट बुक्स सर्वाइव। तो इस प्रकार से आपका सेट 2014 भी समाप्त हुआ, और इसके साथ ही साथ आपने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यहाँ पर समझे। तो स्टूडेंट्स अगर आपको समझ में आया है, अगर किसी प्रकार की कोई भी समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिए।
तो स्टूडेंट्स वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।